हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। अज की वीडियो दे विच थोड़ा स्वागत है। तो अज आप नवा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रेन। पटवारी के लिए लिखा हुआ है उन्होंने स्पैशल ट्रेन एंड टाइम एंड डिस्टेंस अलग लिखा हुआ, ट्रेन नू अलग लिखा हुआ। सो ट्रेन नू वैसे टाइम एंड डिस्टेंस के नाल ही कंसीडर किया जा सकता है, इदा नहीं है कि ये कोई सैपरेट टॉपिक है। बट फिर भी चलो, इतने अपना एक बुक है पैरामाउंट की, जिसके ट्रेन सैपरेट टॉपिक मिले। सो इस करके अपना ट्रेन के बारे थोड़ी जी इंट्रोडक्शन देख लें, थोड़ी जी जिनी की जरूरत है, उस तो बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो जेकर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर कर लो चैनल में, तो अपने जिन्हें भी थोड़े फ्रेंड्स ने उन्होंने इस शेयर जरूर कर दो वीडियो में, ठीक है जी, जेकर वीडियो अच्छी लगे। सो स्टार्ट करते हैं, पहला कंसैप्ट देख लें, छोटे छोटे कंसैप्ट ने। मान लो एक ट्रेन कह रहा है, पहला ट्रेन क्रॉसिज अ मैन पोल और ट्री एटसेट्रा, दैन इट कवर्स द डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो मैं इतना थोड़ा जहा डायग्राम बना के दिखाना पहले इसका कंसैप्ट। इस डायग्राम का की मतलब है, देखो कह रहा है मान लो जो ट्रेन एक अपने को परसन खड़ा है, या इतने एक ट्री है, ठीक है जी, इतने एक मान लो ट्री है, दिस इज द ट्री। देखो बेसिकली होंदा की है, जो ट्रेन ने क्रॉस करना है, एक मान लो ये नीचे अपने को ट्रेन है, ठीक है, इतने यह ट्रेन छोटी छोटी दिखेगी थोनू। जो इस ट्रेन ने इसनू क्रॉस करना है, मैं इतों थोड़ा एक एग्जाम्पल लेके भी समझा देना, चलो पेंट के एग्जाम्पल लेने उतों थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके समझ आएगा। सो इतों एक मैं रैक्टेंगुलर शेप लैंना है, दैट इज ट्रेन। मान लो ये मेरे को ट्रेन आ गई, ठीक है, ये मेरे को ट्रेन आ गई, ठीक है जी। हुण मैं की करांगा इस ट्रेन नू, देखो ये ट्रेन इस तरह मूव करेगी, इस तरीके ना मूव करेगी करेगी। हुण मान लो ये ट्रेन इत्थे पहुँच गई, हुण इत्थों इहनू रोक लो। मान लो इहने ट्री नू क्रॉस किया, जो ये ट्री नू क्रॉस करेगी, ये इत्थों स्टार्ट करेगी ट्री नू क्रॉस करना, तो क्रॉस करती 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 इस तरीके नाल चलती रहेगी ट्रेन। तो ये ट्रेन क्रॉस करते करते जो ये क्रॉस करेगी, तो क्रॉस करन दे उपर तुसी देख सकते हो क्रॉस करे तो कितनी लेंथ कवर होएगी, जिनी ट्रेन की खुद की लेंथ सी। देखो पहला ट्रेन इत्थे सी पिछे, उसने ट्री नू कवर किया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की तुसी देख ही सकते हो इत्थों, तो उसने ए वाली डिस्टेंस ही कवर की, इत्थों ही स्टार्ट होया सी उसका मोशन। सो इत्थों उसका मोशन स्टार्ट होया सी इस पॉइंट तो। मान लो तो ट्री नू या इत्थे एक परसन होवे, कोई परसन खड़ा होए, या कोई पोल होए, तो परसन पोल एंड ट्री दे केस दे विच आपां कंसीडर करते हैं कि जदों ट्रेन उसनू क्रॉस करेगी, तो जिन्नी लेंथ ट्रेन दी होएगी, लैट्स सपोज इसकी लेंथ एल है, तो एल लेंथ नू क्रॉस करेगी। इस चीज़ नू पहले समझ लेना है कि जदों भी ट्री दी गल होएगी, या पोल दी गल होएगी, या फिर किसी परसन दी गल होएगी, ठीक है जी, क्योंकि परसन ट्री एंड पोल दी लेंथ जो है दैट वे बी निगलीजिबल एज कंपेयर टू ट्रेन। ट्रेन दे कंपेरेटिवली तुसी सोच ही सकते हो, अगर ट्रेन थोनू क्रॉस कर रही है, तुसी जा रहे हो रेलवे ट्रैक दे नाल, तो अगर ट्रेन थोनू क्रॉस करेगी तो अप्रोक्सीमेटली जो आप ये कह सकते हैं थोनू क्रॉस करने च उसनू किन्नी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पई, जिन्नी डिस्टेंस ट्रेन की खुद ही है, क्योंकि थोड़ी डिस्टेंस तो थोड़ी जी है, तुसी तां थोड़ी जी अपनी मानोगे, तो उसनों अप्रोक्सीमेटली आप इग्नोर कर दें। सो पहला कंसैप्ट मेरे ख्याल क्लीयर हो चुका है, तो इस डायग्राम तो समझ सकते हो थोड़ा जा कंसैप्ट। बाकी अगला कंसैप्ट मैं दसदा, फिर आप क्वेश्चन जो करा तो ज़्यादा अच्छे तरीके समझ आएगा। सो हूँ देखो दूसरा कंसैप्ट, पहला कंसैप्ट रीड कर लो एक बार, कोई प्रॉब्लम लगती है तो तुम जरूर दसना है, ठीक है। पहला कंसैप्ट वैन अ ट्रेन क्रॉसिज अ पोल अ मैन पोल, एक मिनट, एक मिनट होल्ड करो जी, मार्कर नॉट वर्किंग, वेट, थोड़ा जा सिस्टम कई बार हैंग हो जाता है, एक मिनट वेट करो जी। हाँ जी सिस्टम ठीक हो गया जी। सो वैन द ट्रेन क्रॉसिज द मैन और पोल, जो ट्रेन एक मैन या पोल नू क्रॉस करती है, या किसी ट्री नू क्रॉस करती है,
देन इट कवर द डिस्टेंस तो कितनी डिस्टेंस कवर कर दी है क्रॉस करन टाइम देन इट कवर द डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन तो और जिनी उसकी ट्रेन की लेंथ होएगी उसके इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। गल करते हैं दूसरे पॉइंट की, एक पॉइंट आप डिस्कस कर चुके हैं। कह रहे वैन अ ट्रेन क्रॉसिज अ ब्रिज और प्लेटफॉर्म तो ट्रेन जो क्रॉस करती है ब्रिज या प्लेटफॉर्म इट कवर डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो एक बार आप इस भी डिस्कस कर लें। सैकेंड पॉइंट फस्ट पॉइंट आप पहला कर चुके हैं डिस्कस। सैकेंड पॉइंट अपन की कह रहा है, सैकेंड पॉइंट अपन कह रहा है कि लाइक यू कैन सी हियर इतने अपना एक प्लेटफॉर्म ले लिया, ठीक है जी। एक प्लेटफॉर्म अपने को आ गया, मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। दिस इज प्लेटफॉर्म, इसकी लेंथ है पी, मान लो पी है। तो ये अपने को पीछे ट्रेन है, ठीक है जी। ये अपने को ट्रेन है ब्लू कलर की। तो देखो ये ट्रेन इतों आ रही है, ट्रेन है जो आएगी आएगी इस साइड, मान लो ये इतने पहुँच गई, ठीक है जी। ट्रेन इतों बैक साइड तो आ रही थी, ट्रेन अपने को इतने पहुँच गई। तो जो ट्रेन इतने पहुंची तो यह रुक गई। हुण इन्हें डिस्टेंस देखो कि कवर करनी है, जिन्ना प्लेटफॉर्म है, जिन्ना वड्डा प्लेटफॉर्म है पहला वो डिस्टेंस कवर करेगी। देखो इतने तक ट्रेन पहुँच गई, देखो इतों तो इतों तक डिस्टेंस कितनी हुई। ध्यान देना देखो दोबारा एक बार, मैं ट्रेन में बैक लेके जा रहा जी। ट्रेन इस प्लेटफॉर्म के उत्ते एक एंड से पहुँच गई, प्लेटफॉर्म के एक एंड से पहुँचने तो बाद ट्रेन इस तरह चल पी। जो इसने इस तरह चली यह तो इसने इस एंड तक पहुँचने पहुँचते कि डिस्टेंस कवर कर ली जिनी प्लेटफॉर्म की सी। बट इन्हें की करना प्लेटफॉर्म हजे क्रॉस नहीं किया, देखो ध्यान देना समझो। मैं दोबारा एक बार तुम्हें दसदा, इस एंड तो ट्रेन पिछों आ रही थी, ये प्लेटफॉर्म मिले इनू प्लेटफॉर्म की लैफ्ट मतलब बिगिनिंग एंड या कह सकते प्लेटफॉर्म इतों स्टार्ट होया। प्लेटफॉर्म ट्रेन क्रॉस कर रही है, देखो क्रॉस करते करते जो दूसरे एंड तक ट्रेन पहुँच गई तो प्लेटफॉर्म ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, जिनी प्लेटफॉर्म की सी, जिनी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस सी उन्नी डिस्टेंस कवर होगी। या किसी ब्रिज की भी कह सकते इस क्वेश्चन के विच, एक ट्रेन सी वो ब्रिज के उपर जा रही थी, ब्रिज के विच भी यही केस होएगा। उस तो बाद हजे क्रॉस नहीं किया, हुण ये क्रॉस करेगी। देखो जदों ये किसनों क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, देखो जिनी इस ट्रेन की अपनी डिस्टेंस होएगी। ध्यान देना क्वेश्चन समझ लो, कितने भी कोई डाउट लगता है तुसी पूछना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी ने, क्वेश्चन का कंसैप्ट बहुत जरूरी है। सो देखो इतों पहला तो ब्रिज की डिस्टेंस कवर करके इस एंड से ट्रेन पहुँच गई सी। उस तो बाद जो ये क्रॉस करेगी ब्रिज न इस तरीके तो यह कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जिनी इसकी खुद ही होएगी। हूँ ये क्रॉस कर चुकी है ट्रेन, देखो तो इतों इस कंसैप्ट ध्यान देना समझो कि पहला तो देखो ट्रेन ने जो कवर करना है ब्रिज या प्लेटफॉर्म को तो पहला इतने ट्रेन का प्लेटफॉर्म का पी लिख लें कि पी इस दी डिस्टेंस लेंथ है एंड ट्रेन की लेंथ आप टी एल टी या एल ली हुई सी, ठीक है जी। सो इस तरीके क्वेश्चन करना होंगे है तो इस केस के डिस्टेंस जो कवर होएगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ड्यूरिंग द क्रॉस ऑफ प्लेटफॉर्म दैट विल बी पी प्लस एल। तो मैं एक थोड़ा जहा डायग्राम थोनू समझाने की कोशिश की है, जेकर थोड़ा समझ आ गया है तो वधिया गल है। जेकर वीडियो अच्छी लगे वीडियो में लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर कर लियो चैनल में। जेडे भी फ्रेंड्स ने थोड़ा फॉर्म भरिया ने भरया होया है पटवारी का, मैं पिछली वीडियो दे विच भी कहा भी रोपड़ दे विच भी अवेलेबल आप एक घंटे वास्ते है। जेकर कोई रोपड़ का स्टूडेंट थोड़ा मिलता है तो रोपड़ के स्टूडेंट लिए आप उत्थे टाइम थोड़ा जहा कढ़ सकते हैं। सो इस तरीके दो कंसैप्ट पहला तो समझ लेने ने, दो कंसैप्ट समझ लेने ने, बाकी दी गल आप नाल दी नाल करांगे। बाकी मॉर्निंग का टाइम है तकरीबन 5:30 बजे का ही, तो बहुत ही मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया हूँ। सो थोड़ा जहा टाइमिंग अपनी शाम की भी आप एक्सटेंड करांगे। सो इस तरीके नाल दो चीज़ा कवर हो गई जी थोड़ियाँ, पहला सब तो पहला की गल करी जाए अगर तो दो चीज़ा कवर हो गई इतों के जदों ट्रेन पोल नू क्रॉस करती है तो की डिस्टेंस कवर करती है, जदों ट्रेन प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज नू क्रॉस करेगी उदों उसकी जी लैथ होएगी उसनों इग्नोर नहीं किया जाएगा तो उसनों ऐड कर दिया जाएगा। तीसरा कंसैप्ट अपन पता ही है जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, तो स्पीड के नाल मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम तो अपने को डिस्टेंस आ जाएगी।
ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਸਪੀਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਰੈਂਡਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੀਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਇਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਪੀਡ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ ਗਿਵਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1000 ਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 60 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ 60, ਫਿਰ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3600 ਸਕਿੰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 60 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ 60 × 60 ਟੋਟਲ 3600 ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000/3600 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 5/18 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 5/18 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5/18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਹੈ। ਸੋ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 20 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 20 × 5/18। ਸੋ ਅਗਰ ਕੁਛ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ 10 × 2 = 20 ਐਂਡ 9 × 5 = 18। ਸੋ 50/9 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 50/9 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫੋਰ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 50/9 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ, ਇਸਦਾ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ 20, ਤਾਂ ਜੇਕਰ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ 5/18 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 20 × 18/5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 20 × 18/5 ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋਗੇ 24 ਦਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ 15 ਮਿੰਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੰਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡਸ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
सो ये पहला पेज स्पीड ते टाइम इनवर्सली प्रपोर्शनल है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो एक बार तुसीं इसनूं पूरा देख लेना, ठीक है जी। सो कंकलूजन भी इतों एक कंकलूजन भी लिखा हुआ इसकी भी जरूरत पड़ेगी, मन लगता सैकंड या थर्ड क्वेश्चन के। बाकी एक बार तुसीं वीडियो नूं पॉज करके ट्रेन के स्टार्टिंग के सारे रूल देख लेने ने, कित भी कोई प्रॉब्लम लगती है तुसीं पूछनी है, ठीक है जी। इस तो बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, 15 मिनट अप्रोक्सीमेटली अपने वीडियो के उस जा चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो नाल अपनी इतने स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ी स्क्रीन दे उत्ते। हुण देखो ये क्वेश्चन ट्रेन का किवें बन गया, कोई कहेगा कि यह क्वेश्चन ट्रेन का नहीं जी बनता, यह क्वेश्चन तो स्पीड एंड उहदा बनता है डिस्टेंस का। सो कुछ भी कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन स्पीड एंड डिस्टेंस का भी है, बट ये हूँ ट्रेन लिखती है, इस करके इस क्वेश्चन अगर पेपर के पूछ लिया जाता मान लो तो आप इसनों ट्रेन का मानेंगे, ठीक है। सो इतों स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन के उत्ते की कह रहा है, अ ट्रेन मूविंग विद स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर हैज स्पीड इन मीटर पर सैकेंड। तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है ट्रेन की, इसनों आप कन्वर्ट करना है मीटर पर सैकेंड के बीच। मीटर पर सैकेंड के लिए रूल की है, आप मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 के नाल। सो 5/18 के नाल इसनों मल्टीप्लाई कर देंगे, दैन इतने आ जाएगा अपने को 10। सो 10 फाइव का 50। सो अपने को ट्रेन की स्पीड आ जाएगी मीटर पर सैकेंड के 50 मीटर पर सैकेंड, तो 50 मीटर पर सैकेंड स्पीड आ जाएगी। इस तरह नाल कई बार सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इग्नोर नहीं कर सकते अपन क्वेश्चन नूं, क्वेश्चन के बारे पता होना चाहिए हर क्वेश्चन। वैसे तो यह कंसैप्ट बहुत यूज होएगा जो स्पीड आप कन्वर्ट करांगे, बट फिर भी अपन पता होना चाहिए है, ठीक है। सो इस तरीके ना पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 50 मीटर पर सैकेंड। गल करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन की है, कह रहे हैं अ ट्रेन पासिस टू ब्रिज ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सैकेंड एंड 60 सैकेंड रिस्पैक्टिवली, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। तो इतने देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, और इस क्वेश्चन की उम्मीद मैं 100% गरंटी दिना कि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछेगा अगर ट्रेन के क्वेश्चन आएंगे। सो डेफिनेटली इतों क्वेश्चन बनता है, एंड हमेशा उम्मीद रखते हैं कि जोड़े क्वेश्चन आप करते हैं उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। सो गल कर लें, देखो टाइम किस दे बराबर पढ़िया सी, आपां हुणे पढ़ के हटे हैं, टाइम इज इक्वल टू टाइम बराबर आ रहा सी अपना डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस बाय स्पीड, हुण जेकर प्लेटफॉर्म वाला कंसैप्ट तुहानू क्लीयर है तो प्लेटफॉर्म वाले कंसैप्ट तो मैं इतों दो चीज़ा करांगा। देखो इतों मैं लिखिया 100 सैकेंड, 100 सैकेंड कदों लग रहे हैं जदों ट्रेन क्रॉस कर रही है 800 मीटर का ब्रिज, तो उपर आ जाएगी डिस्टेंस, उपर आ जाएगी ट्रेन की लेंथ प्लस 800, ठीक है जी। ट्रेन की लेंथ बाय 800, नीचे आ गई जी स्पीड, ठीक है ट्रेन की स्पीड है ये। हुण दूसरा केस किहड़ा हो गया, जदों उन्हें लगाए 60 सैकेंड, ठीक है जी, जदों उन्हें लगाए 60 सैकेंड, 60 सैकेंड कि इक्वल आ गए, दैट इज इक्वल टू 60 आ गया इक्वल थोड़ा लेंथ। हुण प्लेटफॉर्म किन्ने दा है 400 मीटर का, सो हुण लेंथ कितनी क्रॉस होएगी, एल प्लस 400, एल की है ट्रेन की लेंथ। यह प्लेटफॉर्म वाला कंसैप्ट है, इस दे विच लेंथ प्लेटफॉर्म की भी ऐड हो जाती है, ट्रेन की भी ऐड हो जाती है जदों प्लेटफॉर्म नूं ट्रेन क्रॉस कर दी है, स्पीड उही रहेगी जी। सो स्पीड उही है, हुण की करांगे दोनों नूं डिवाइड कर दिंदे आ, स्पीड कैंसल हो जाएगी थोड़ी जदों तुसीं दोनों नूं डिवाइड करोगे, तो थोड़ा आंसर इतने 0 नाल 0 भी कैंसल हो जाएगा। सो लैफ्ट साइड पर आ जाएगा 5/3, मैं थोड़ा जहा शॉर्टकट यूज़ कर रहा, तुम पूरा मैथड देख लेना है, दोनों नूं डिवाइड कर देना इक्वेशनस नूं। सो 5/3 विल बी इक्वल टू एल प्लस 400 नीचे। सो इतों तक नोट कर लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इतों नीचे आ गया जी एल प्लस
400। सो जल्दी नाल चैक करो, ठीक है जी। सो इतों तक सॉल्व कर लो, उस तो बाद अगे सॉल्व आप कर लें। इतने 5L बन जाएगा, 3L बन जाएगा, लैफ्ट साइड से आ जाएगा 2L। सो लैफ्ट साइड के उपर आ जाएगा 2L, तो राइट साइड के उपर आ जाएगा 38,2400, तो 5×20। 2L विल बी इक्वल टू 400। सो थोड़ी जी कैलकुलेशन तुसी करनी है, उस तो बाद थोड़ा आंसर आ जाएगा 2L इक्वल टू 400। सो लेंथ कितनी आ जाएगी ट्रेन की जी? लेंथ विल बी इक्वल टू 200 आंसर आ जाएगा थोड़ा इतों, 400/2 थोड़ा डेफिनेटली आंसर इतों 200 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 दे लई। सो इस तरीके नाल तुसी क्वेश्चन नू करना है, थोड़ा जा समझ लेना है कि केड़ी चीज़ कैंसल करके किदा क्वेश्चन नू आपां अप्रोच कर सकते हैं। आई होप तुसी क्वेश्चन नू समझिया होएगा, आई होप तुसी इस क्वेश्चन नू समझिया होएगा। सो दो क्वेश्चन आपां कर चुके हैं, 15 मिनट की डिस्कशन तो बाद आपां क्वेश्चन्स नू स्टार्ट किया, तो दूसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल तुहानू समझ आया होएगा किस तरह करना है। तो दो इक्वेशन्स नू डिवाइड कर देना है, उस तो बाद थोड़ा क्वेश्चन जिहड़ा है वह सॉल्व हो जाएगा। गल करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आपां नू कह रहा है, अ ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड रीचिज अ प्लेस इन 22 आवर्स। कह रहा है कि एक ट्रेन चल रही है और 7/11 जा रही है अपनी स्पीड के नाल, ठीक है जी। सो देखो इतों दो चीज़ा ने, पहला तो स्पीड देखो की है, स्पीड हैगी है 7/11 टाइम्स ओरिजिनल, ठीक है जी। उस तो बाद स्पीड के ओपोजिट हो जाता है टाइम। हुण टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 11/7। टाइम एंड स्पीड एक दूसरे के ओपोजिट है, जो स्पीड की रेशो होएगी टाइम की रेशो उसके ओपोजिट होएगी, ठीक है जी। सो देखो हुण इतों सिंपल जिहा कंसैप्ट यह है कि देखो जदों वह जा रही है अपनी ओरिजिनल स्पीड के नाल 11 दे नाल, उदों देखो उसनू कितना टाइम लग रहा? 7 घंटे, ठीक है। ज़्यादा स्पीड होएगी तो टाइम घट लगेगा। जदों वह अपनी स्पीड तो घट के जा रही है, मतलब 7 की स्पीड ना जा रही, तो टाइम लग रहा उसनू 11, मतलब इसनू ओपोजिट समझना है। जदों स्पीड घट होएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो 7 दे कोरसपोंडिंग टाइम इत्थे 11 लग रहा है, तो जिहड़ा 11 जो स्पीड है उस दे कोरसपोंडिंग टाइम 7 लग रहा। पहला तो इस कंसैप्ट नू समझ लेना है कि स्पीड अते टाइम नू ओपोजिट कर देना है जदों इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। गल करते हैं फरदर की कह रहा आपां नू। कह रहा है रीचड अ प्लेस इन 22 आवर्स। देखो हुण जदों 7 की स्पीड के नाल जा रहा है, मीनस 7/11 की स्पीड नाल जा रहा है, तो उसनों टाइम कितना लग रहा? 22 आवर्स। मतलब इस 11 नू कह सकते हैं कि यह 22 आवर्स के इक्वल है, ठीक है जी। मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा, दैट मीनस इसनों लिख लिया आपां 22 आवर्स। तो एक पार्ट की वैल्यू इतों कितनी होगी? एक पार्ट की वैल्यू मेरे ख्याल तुसीं समझ ही सकते हो कि एक पार्ट की वैल्यू एक पार्ट की वैल्यू इतों 2 होगी, ये तो तुम समझ ही सकते हो। हुण इस तो बाद देखो कि यह कह रहा है, हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ ही ट्रेन हैज़ रन एट इट्स नॉर्मल स्पीड। देखो अगर नॉर्मल स्पीड की गल करता है तो नॉर्मल स्पीड के ना कितना टाइम लगेगा? यदा मतलब नॉर्मल स्पीड के नाल लगेगा 7×2 का 14 आवर, 14 घंटे लगने अगर नॉर्मल स्पीड के नाल ट्रेन चलेगी। देखो सिंपल जहा कंसैप्ट है कि यह लग रहा ज़्यादा टाइम जो स्पीड की है 7 है, जो स्पीड 7 है तो टाइम लग रहा 11 नू 2 दे नाल करता क्योंकि उन्हें 22 घंटे आपां नू दित्ते हुए सी। हुण ओह कह रहा कि टाइम बचेगा जेकर ट्रेन नॉर्मल स्पीड ना चलेगी। अगर नॉर्मल स्पीड कि नॉर्मल स्पीड 11 है तो जो 11 दे नाल चल रहा उदों टाइम कितना लग रहा? उदों टाइम लग रहा देखो 7 घंटे, इत्थे 7 पार्ट्स। सो 7 पार्ट्स किसते इक्वल है? 14 दे। तो इतों डिफरेंस देख लो कि टाइम सेव हो गया। तो अगर ट्रेन नॉर्मल स्पीड के नाल चलती है तो 22 चौदह घंटे लगनगे। सो किन्ने घंटे बच गए जी इतों? घट्टो घट 8 आवर्स जिहड़े ने सेव हो गए। सो 8 घंटे जिहड़े ने सेव हो गए ने इतों। सो इस तरीके नाल तुसीं इस क्वेश्चन नू अटैम्प्ट करना है। सो 8 घंटे जिहड़े ने इतों सेव हो गए इस क्वेश्चन दे विच। सो इस तरीके नाल इह क्वेश्चन नंबर 3 अपना हुंदा है। थोड़ा जिहा तुहानू डाउट हो सकदा है किते, क्योंकि इह टाइप मैं फस्ट टाइम करवा रहा है और ट्रेन की पहली वीडियो है, तो अच्छा क्वेश्चन स्टार्टिंग दे विच मिल गया है आपां नू।
पहला क्वेश्चन बेसिक सीगा, दूसरा क्वेश्चन अच्छे लैवल का, तीसरा उस तो अच्छे लैवल का। तो तीन क्वेश्चन अपना हजे तक इस वीडियो के कवर किए हैं। गल करते हाँ फोर्थ क्वेश्चन की। सो जेकर थोड़ा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर कर लियो, तो चैनल में अपने फ्रेंड्स जोड़े थोड़े जिन्होंने फॉर्म वगैरह भरया होया है उन्होंने नाल शेयर कर दो। जेकर वो आना चाहते हैं तो 5 to 7 डेली या 5:30 to 7। सो 1.5 घंटे का टाइम आप लेके चल रहे हैं कि 1.5 घंटा आप डेली डिस्कशन करिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सो उस रिगार्डिंग तुम वट्सएप नंबर 8528381649 के उत्ते कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो जो थोड़ा इंट्रस्ट हो। हूँ गल करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, उस तो बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन थोनों की कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन 150 meter लोंग टेक्स 30 seconds टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 500 meter लोंग। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 370 meter लोंग। तो इतों एक काम करते हैं, पहले तो ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट कर लेने, क्योंकि जो अपन स्पीड पता होगी तो ही अपना प्लेटफॉर्म क्रॉस कर टाइम कढ़ सकते हैं। सो स्पीड विल बी इक्वल टू, देखो जो उन्हें क्रॉस करना है ब्रिज न, 500 meter लोंग ब्रिज है, ट्रेन की अपनी लेंथ कितनी है 150। तो थोनों पता होगा जो ब्रिज नू क्रॉस करेगी ट्रेन तो उसकी अपना लेंथ भी बिच ऐड हो जाएगी, प्लस ब्रिज की लेंथ भी ऐड हो जाएगी। इस बारे मैं स्टार्टिंग दे विच थोनों दस चुका है, ठीक है जी। सो 500 + 150 टाइम कितना ले रही है जी, 30 seconds। सो इतों आ गया 30। सो 30 seconds ये ले रही है क्रॉस करन नू, तो यह बन जाएगा 5 and 15 6 650 65 बन जाएगा जी 650। सो 650/3, सो दिस विल बी द स्पीड। अच्छा 30 है, 30 नाल कैंसल कर दो, 0 नाल 0। हुण देखो इतों जिहड़ी स्पीड आई है दैट इज़ इन मीटर पर सैकेंड, ये मीटर पर सैकेंड के आ चुकी है अपने को। अपने इसनों किलोमीटर के कन्वर्ट करन दी अपना जरूरत नहीं है। देखो इतने की है, इतने अगला प्लेटफॉर्म दिता हुआ, उन्हें यह पूछा भी 370 meter के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर उसनों कितना टाइम लगेगा। देखो इतों हूँ कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, आप करते हैं हूँ टाइम कढ़ना है। सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, पहला लिख लें डिस्टेंस प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है, तो प्लेटफॉर्म के लिए ट्रेन को अपनी डिस्टेंस भी कवर करनी पड़ेगी। सो 150 + 370, सो 150 + 370, सो दिस विल बी द कंसैप्ट डिवाइडेड बाय 65/3। तो मैं इसमें एक बार दोबारा भी लिख लेना है ताकि थोड़ा इतों दिक्कत ना लगे, क्योंकि कलर सेम आ गया आई थिंक। सो यह बन गया जी, इतों तक पहला नोट कर लो। सो 370 के 150 ऐड करा तो बन जाएगा 520। सो थोड़ा टाइम आ जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू 520 डिवाइडेड बाय 65 × 3। सो इतने 3 आ गया जी। सो हम देख लें कैलकुलेशन। सो इतों आ जाएगा 13 × 52 जी 40। सो 13 × 5 = 65। सो फर्दर कैंसल कर दें, 5 8s का 40। सो थोड़ा टाइम आ जाएगा क्रॉस करन दे लई, प्लेटफॉर्म जिहड़ा 370 meter का क्रॉस करन लई उसका टाइम आ जाएगा 8 3s का 24 seconds। सो 24 seconds विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ 370 meter। तो 370 meter का प्लेटफॉर्म क्रॉस करन दे लई टाइम लगेगा जी 24 seconds। सो इस तरीके नाल जो है वो अपने क्वेश्चन कंप्लीट होंगे ने। सो जेकर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो। 4 questions आप कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4। हूँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के वाल। सो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्प्ले हूँ होया है जी। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं किन्ने क्वेश्चन आप कर पाने हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ने देखो, एंड सारे क्वेश्चन का लैवल अच्छा है, कोई इदा का क्वेश्चन नहीं है कि जोड़ा बिल्कुल इदा का हो पेपर के नहीं आ सकता, बट आप इतने करवाइए।
सो इफ अ ट्रेन विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस द पोल इन 30 सैकेंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर तो लेंथ ऑफ द ट्रेन मीटर दे विच पूछी हुई है इस चीज़ नूं ध्यान रखना है तो क्वेश्चन की है ट्रेन क्रॉस कर रही है जी पोल नूं हुण पोल ट्री का केस आपां स्टार्टिंग दे विच दस्या सी कि दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑबजैक्ट उसनों की कंसीडर करना है आपां पॉइंट ऑबजैक्ट कंसीडर करना है तो जदों उसनों पॉइंट ऑबजैक्ट कंसीडर करते हैं आपां फिर वो की हो जाता है उसकी जी ट्रेन जी लेंथ कितनी कवर करती है डिजनी ट्रेन की खुद की लेंथ होंगी है सो फस्ट फिफ्थ क्वेश्चन के आ जाएगा टाइम आप फाइंड आउट करना है नहीं टाइम तो गिवन है अच्छा लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है सो लेंथ इज इक्वल टू इदा कह सकते हैं कि टाइम लिख लो पहला टाइम या इतों स्पीड लिख लो स्पीड आ गई जी 60 सो 60 किलोमीटर पर आवर है इसनों मीटर दे विच कन्वर्ट कर लेने हैं दैट विल बी 5/18 पांच बटे 18 दे नाल इसनों मल्टीप्लाई करता आपां सो 5/18 नाल मल्टीप्लाई करता उस तो बाद इसनों इक्वल लिख लिया हुण ट्रेन दे केस दे विच लेंथ लगेगी एल मतलब जो पोल नूं क्रॉस करेगी तो लेंथ एल आएगी एल की है ट्रेन की लेंथ है तो नीचे टाइम आ जाएगा 30 सैकेंड हुण आपां स्पीड नूं कन्वर्ट कर चुके हैं सैकेंड्स दे विच तां इसकी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल नाल थोड़ी जिहा इत्थों कैंसल कर लैने आ 6 3 18 ते इत्थे आ जाएगा 10 फिर इस साइड भी 3 नाल कैंसल कर देने आ 30 नूं सो इत्थे आ जाएगा 10 सो लेंथ ऑफ द ट्रेन आ जाएगी 50 50 × 10 500 आ जाएगी जी लेंथ चैक कर लो एक बारी सो लेंथ विल बी इक्वल टू 10 × 10 100 × 5 500 सो 500 मीटर विल बी द लेंथ तो 500 मीटर आ जाएगी ट्रेन की लेंथ सो इस तरीके नाल इन क्वेश्चन तुसी करना हुंदा है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं होंगे ट्रेन के सब तो बड़ी गल है टाइम एंड वर्क के विच फिर भी थोड़ा जा टाइम लग जाता है बट ट्रेन के क्वेश्चन के विच उन्ना टाइम कंज्यूम नहीं होंगे जेकर तुसी क्वेश्चन के कंसैप्ट समझ जाते हो या क्वेश्चन का कंसैप्ट थोड़ा ईजी मिल जाता है हाँ कई बार क्वेश्चन मुश्किल लग जाता है बट कई बार इदा होंगे कि क्वेश्चन ईजी होंगे है सो आई होप तुम इस क्वेश्चन भी समझिया होएगा क्वेश्चन नंबर 5 की आप गल कर रहे हैं हूँ गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की सो क्वेश्चन नंबर 6 दे विच आपां नूं की है आपां नूं टाइम फाइंड आउट करना है सो अ 120 मीटर लोंग ट्रेन 120 मीटर लंबी ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल ट्रेन चल रही है इट विल क्रॉस आर रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 230 मीटर तो 230 मीटर का प्लेटफॉर्म इसने क्रॉस करना है देखना होगा कि टाइम लगता है सो ये देखने वाली चीज़ है सो इतने की आ जाएगा टाइम टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हम डिस्टेंस देखो कि 90 मीटर ट्रेन की खुद ही डिस्टेंस है लेंथ कह सकते हैं सो 90 + 230 सो 90 + 230 तो नीचे आ जाएगा थोड़ा स्पीड है ना नीचे स्पीड आ जाएगी बट स्पीड कि गिवन है 90 दे विच ठीक है 90 किलोमीटर पर आवर दे विच तो उपर डिस्टेंस थोड़े को मीटर दे विच है देखो क्योंकि 230 ते 90 की सी मीटर दे विच तो इतने 90 अपने को जिहड़ा है 90 किलोमीटर पर आवर इनू आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सैकेंड दे विच तो टाइम भी थोड़ा सैकेंड दे विच आ जाएगा सो इतों 5/18 कर लिया जी ठीक है जी 5/18 एंड 18 नू कैंसल कर देने सो 18 × 5 = 90 तो इतों 5 × 5 = 25 बन गया तो उपर बन गया जी 230 दे विच 90 ऐड कर देंगे 320 एक मिनट 230 ते 120 इतने 90 नहीं जी है इतने 120 है सो इतों थोड़ी जी सैटिंग तुसी देखो 120 आएगा इतने ठीक है जी 120 मीटर ट्रेन की लेंथ सी ते 230 प्लेटफॉर्म की सी सो 120 + 230 आएगा 90 स्पीड सीगी जी सो थोड़ी जी इतने गलती हुई है उस तो बाद इसनों सॉल्व करांगे तो थोड़ा आ जाएगा जी 200 दे विच 300 350 सो 350/25 सो इसके नीचे 25 आ जाएगा तो जो इसनों सॉल्व करांगे तो 25 × 25 6 बचेगा 10 एंड नाल 0 25 = 100
14 meter per second, sorry, 14 second will be the right answer. तो इतों टाइम आप कैलकुलेट कर रहे थे, सो टाइम अपना आ जाएगा 14 seconds. सो इस तरीके अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व हो जाता है. गल करते हाँ नैक्सट क्वेश्चन की. नैक्सट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है तो इसनों ध्यान दे समझना है, ठीक है. मैं इसके लिए डायग्राम बनावगा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहाँगा एंड अच्छे तरीके समझोगे तो दिक्कत नहीं आएगी. क्वेश्चन नंबर 7 की गल करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 7, सो क्वेश्चन नंबर 7 का कंसैप्ट समझो पहला. कंसैप्ट जेकर समझ लोगे तो क्वेश्चन ईजी लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी. सो हर क्वेश्चन समझने के लिए पहला कंसैप्ट ते फिर क्वेश्चन, क्योंकि जो कंसैप्ट छड्ड दोगे तो क्वेश्चन, मैं नहीं मानता कि कंसैप्ट तो बिना क्वेश्चन तुसी कर पाओगे, ठीक है जी. थोड़ा बहुत कंसैप्ट का आइडिया तो होना ही चाहिए. सो इस क्वेश्चन को ध्यान देना समझो, थोड़ा जहाँ इतों डायग्राम लेके फिगर लेके थोड़ा जहाँ समझाने की कोशिश करा. सो इतों एक कलर ले लें आप. सो ये मान लो अपनी की है, स्लोअर ट्रेन है, दिस इज स्लोअर ट्रेन, ठीक है जी. इतने एक परसन बैठा है. क्वेश्चन के पिछे एक बार पहला क्वेश्चन रीड कर लिए. टू ट्रेनस आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर. द फास्टर ट्रेन क्रॉस द मैन हु इज सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सैकेंड. फाइंड द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन. तो इतों एक कंसैप्ट समझ लो कि यह जड़ा है, इतने एक परसन बैठा है मान लो स्लोअर ट्रेन के, ठीक है. इतों एक परसन बैठा है, ठीक है जी. ये स्लोअर ट्रेन के बैठा है. हुण एक मैं फास्टर ट्रेन ले ली, फास्टर ट्रेन आ पिछे है जी. सो ये फास्टर ट्रेन है, ठीक है जी. ध्यान देना समझ लेना क्वेश्चन जी. पिछों ट्रेन आ रही है फास्टर है, ब्लू ट्रेन जी है स्लोअर है. सो ब्लू ट्रेन इतने स्टेशन नहीं है, ब्लू ट्रेन भी जा रही है, बट इतों की है दूसरी ट्रेन जी है वह पिछों तेज आ रही है, मतलब एक दी स्पीड ज़्यादा है. तो देखो फास्टर ट्रेन की कर रही है, इसनों ओवर इतों पहला मान लो एक पिछों आ रही है, तो एक बारी ये ब्लू ट्रेन स्लोअर होएगी तो यह ट्रेन पिछों आके इसनों इस तरीके नाल क्रॉस करेगी. तो तुसी ध्यान देना समझना है क्वेश्चन की जो विच की कह रहा है कि यह जी फास्टर ट्रेन है, यह इस परसन नूं जिहड़ा ये परसन इत्थे बैठा है इसनों क्रॉस कर रही है किन्नी देर दे विच, 18 सेकेंड दे विच. तो हुण तुसी कंसैप्ट देखो ध्यान दे नाल, जदों यह ट्रेन पिछे सी, मैं दोबारा पिछे लेके गया इसनों, जदों तो यह ट्रेन उस ट्रेन नूं क्रॉस करेगी फिर तो दोनों ट्रेनस की लेंथ ऐड होएगी, क्योंकि देखो इस ट्रेन मान लो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन नूं क्रॉस करती है, तो जेकर वह ट्रेन नूं क्रॉस करन की गल करेगा फिर तो इस ट्रेन के पहला ब्लू ट्रेन की लेंथ क्रॉस आएगी. देखो ब्लू ट्रेन की लेंथ इत्थे तक क्रॉस हो जाएगी, उस तो बाद अपनी लेंथ क्रॉस करेगी. मतलब पहला तो इस क्वेश्चन नूं समझो कि जदों तक दो ट्रेनस क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे नूं फिर तो दोनों की लेंथ ऐड होएगी. बट इत्थे देखो इत्थे की है तो ट्रेन दे विच दूसरे परसन नूं क्रॉस कर रही है फास्टर ट्रेन, जिहड़ी फास्टर ट्रेन है वह जिहड़ी दूसरी ट्रेन है उस दे विच परसन बैठा है उसनों क्रॉस कर रही है. देखो मान लो ये ट्रेन इत्थे पहुँच गई, हुण इसने इस परसन नूं क्रॉस करना है, फास्टर ट्रेन इत्थों क्रॉस करना शुरू करेगी. देखो इत्थों क्रॉस करना शुरू करेगी, ध्यान देना समझो क्वेश्चन नूं. ब्लू ट्रेन की लेंथ तो इत्थे कोई रोल नहीं है, ये फास्टर ट्रेन की लेंथ का रोल है. सो फास्टर ट्रेन ने इसनों क्रॉस करना स्टार्ट किया, परसन रैड कलर ना मार्क किया हुआ मैं इतने. सो इतों क्रॉस करना शुरू करेगी तो यह किन्नी लेंथ तो बाद क्रॉस कर देगी, जिनी फास्टर ट्रेन की लेंथ होएगी, जिनी फास्टर ट्रेन की लेंथ होएगी. एक बार दोबारा देख लो इतों कि जदों ये इतों क्रॉस करेगी परसन नूं तो जिनी लेंथ फास्टर ट्रेन की होएगी उन्नी लेंथ कवर करन तो बाद या उन्नी डिस्टेंस कवर करन तो बाद परसन नूं ट्रेन क्रॉस कर जाएगी. दैट मीनस इत्थे की आएगा, देखो क्वेश्चन दे विच इत्थे जिहड़ा टाइम आएगा तो टाइम आपां नूं 18 सेकेंड गिवन है, इस दे बारे भी गल करदे हां. सो टाइम एक मिनट वेट करो जी. सो टाइम विल बी इक्वल टू, टाइम इत्थों किवें आएगा, टाइम विल बी इक्वल टू पहला डिस्टेंस लिख लाँगे, नीचे नीचे स्पीड लिख लाँगे. सो डिस्टेंस जिहड़ी है वो फास्टर ट्रेन की ही फाइंड करनी है, तो इत्थे आ जाएगा LF लिख लैंदे आ. LF का मतलब है कि फास्टर ट्रेन की लेंथ, ठीक है जी. सो स्लोअर ट्रेन की लेंथ का इत्थे कोई रोल नहीं है,
जदों एक परसन नू क्रॉस कर रही है ट्रेन, स्लो ट्रेन दे विच परसन बैठा है उसनू पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा फास्टर ट्रेन दे द्वारा। सो फास्टर ट्रेन उसनू एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके क्रॉस करेगी ते लेंथ लवेंगे फास्टर ट्रेन की। सो टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन डिवाइडेड बाय, इत्थे हुण देखो दो ट्रेनस चल रही ने, रैलेटिव स्पीड का कंसैप्ट जरूर रहेगा, सेम डायरेक्शन दे विच है तो उन्हां दी स्पीड की हो जाएगी माइनस हो जाएगी 50 - 30। सो इत्थे स्पीड आ जाएगी 20, बट उस 20 नू भी फर्दर कन्वर्ट करना पएगा। पहला इधर टाइम देख लो, टाइम किन्ना है 18 सैकेंड। सो 18 सैकेंड इक्वल टू एल एफ, सो लेंथ आपां फाइंड करनी है, सो इट इज़ एल एफ डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5/18। सो 5/18 नू उपर ले जाने हैं या इत्थे नीचे लिख लैने, कोई गल नहीं। सो इसनों जो फर्दर सॉल्व करोगे तो एल एफ थोड़ा आ जाएगा, मैं एक बार अरेज कर दिना सारा, नोट कर लो इतों तक। सो एल एफ विल बी, सो फास्टर ट्रेन की लेंथ आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 18 × 20 × 5/18। मैं तो दसना चाहूँगा कि इतों जी दूसरी लेंथ है वो नहीं कवर हो पाएगी, अगर स्लोअर ट्रेन की स्पीड फाइंड लेंथ फाइंड आउट करनी है तो वह फाइंड नहीं हो पाएगी इस क्वेश्चन के। 18 - 18 कैंसल हो जाएगा, 25 - 100। सो फास्टर ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 100 मीटर, क्योंकि आप हूँ कन्वर्जन कर चुके हैं ना 5/18 मल्टीप्लाई करके मीटर के। सो इट इज़ इक्वल टू 100 मीटर, सो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। सो फास्टर ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 100 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सो स्टार्ट करते हैं जी। कह रहे हैं अ ट्रेन इज रनिंग एट 25 km/h, टेक्स 18 सैकेंड टू पास आ प्लेटफॉर्म। सा एक ट्रेन है वो चल रही है 25 km/h के नाल, 18 सैकेंड वो ले रही है एक प्लेटफॉर्म नू क्रॉस करन दे लई। नेक्स्ट इट टेक्स 12 सैकेंड्स टू पास आ मैन वॉकिंग एट 5 km/h, तो एक परसन जा रहा है इन द ओपोजिट डायरैक्शन, तो 5 km/h की स्पीड नाल एक परसन जा रहा है ओपोजिट डायरैक्शन दे विच, उसनू क्रॉस करन लई ले रही है 12 सैकेंड। फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म का सम आपां फाइंड आउट करना है कि उन्हां दा सम की बनता है। सो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। बाकी जेकर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो नू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो, तो काफ़ी क्वेश्चन आप अज कोशिश करांगे कि जिन्हें भी क्वेश्चन हो सकी आप करिए, एंड उस तो बाद अपना अज का शड्यूल भी है, सॉरी फॉर दैट। तो देखते हैं जिन्हें क्वेश्चन होंगे ने उन्ने करते हैं। सो ये कह रहा ट्रेन 25 km की स्पीड न जा रही है, 25 km/h की स्पीड न 18 सैकेंड कर रही है 18 सैकेंड के प्लेटफॉर्म नू क्रॉस, तो इतों टाइम ले लिया 18। हुण मैं फॉर्मूला नहीं लिखांगा इत्थे, हुण इत्थे मैं फॉर्मूला नहीं दोबारा लिखांगा। सो 18 इत्थे आ गया जी, 18 इक्वल टू, सो 18 इज़ इक्वल टू, ट्रेन की लेंथ आपां नूं नहीं पता, प्लेटफॉर्म की आपां नूं पता है, सो प्लेटफॉर्म L+P लिख लिया, प्लेटफॉर्म नहीं लिखिया, प्लेटफॉर्म का भी नहीं पता। सो L+P दिस इज इक्वल टू 25 × 5/18। सो दूसरे का तो कोई रोल ही नहीं लगता, ट्रेन इज रनिंग एट 25 km/h, टेक्स 18 सैकेंड्स टू पास आ प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इट टेक फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ प्लेटफॉर्म।
तो इतों ए 18 के नाल 18 कट जाएगा, तो एल प्लस पी की वैल्यू तो इतों ही आ गई अपने को, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दैट इज इक्वल टू 25 नूं 5 ना करांगे तो 125 आंसर आ जाएगा इतों। सो जो दूसरी चीज़ है उसका कोई अपना रोल अजे है नहीं, दूसरी चीज़ का कोई रोल नहीं पूछा, जे हाँ वो अलग पूछ लैंदा तो कुछ लेंथ ऑफ ट्रेन वगैरह फिर आप आंसर जरूर अगले वास्ते जाते। बट उन्हें की पूछा अपन फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म पूछी है उन्हें, तो ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी 125 मीटर। तो इस सैकेंड जो पार्ट है परसन क्रॉस कर रही उसका कोई खास रोल नहीं मिले इतने। गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन की। सो नैक्सट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, टू ट्रेन स्टार्ट एट अ सेम टाइम फ्रॉम हैदराबाद एंड दिल्ली एंड प्रोसीड टूवर्ड्स ईच अदर एट अ रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 95 किलोमीटर पर आवर। When they meet, it is found that one train has traveled 180 more than the other। जदों वह मिलदियां ने ट्रेनस तो वह देखदियां ने कि उन्होंने डिस्टेंस किन्नी कवर कर ली है, 180 किलोमीटर मोर दैन अदर, एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन नालों 180 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड हैदराबाद। सो सो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सिंपल जहा लॉजिक समझते हैं कि ये अपना दिल्ली है जी, तो ये अपना हैदराबाद है, ठीक है जी। सो दिल्ली एंड हैदराबाद हो गया जी। हुण ये की कह रहा है कि जदों वह मिलदियां ने ट्रेनस तो उन्होंने देखा कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन नालों 180 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर लिया सी। तो मतलब अगर एक ट्रेन इतों जा रही है, मान लो स्पीड हैगी 95, तो दूसरी ट्रेन दूसरी साइड तो आ रही है उसकी स्पीड हैगी है जी 80, तो एक घंटे के विच कितना एक्स्ट्रा कवर कर रही है, मतलब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन नालों कितना एक्स्ट्रा कवर कर रही है, 15, ठीक है जी। सो इतों आ गया जी 80, एक मिनट, इतों अपने को 80 आ गया। हुण वो की कह रहा है जदों ट्रेनस मिलदियां ने, मतलब मान लो चलो इतने आपां कोई पॉइंट ले लिया कितने मिलदियां ने, तो एक ट्रेन ने 180 किलोमीटर दूसरी ट्रेन नालों ज़्यादा कवर कर लिया सी। सो दैट मीनस इस ठीक है, when they meet, it is found that one train has traveled 180 more than other। Find the distance between Delhi and Hyderabad। देखो इतों सिंपल जी गल है कि एक घंटे के विचों कितना डिस्टेंस कवर कर रही ने, 15, एक घंटे के विच 15 एक्स्ट्रा कवर कर रही है एक ट्रेन, तो 15 नूं मतलब 12 दे नाल जे मल्टीप्लाई कर दीए, क्योंकि 12 घंटे होणगे तां ही एक ट्रेन एक ता ही इन्हां दे विच दी डिस्टेंस जिहड़ी आ 180 बनेगी। एक अगर ये मान लो एक घंटे ट्रैवल करती है, दोनों ट्रेन एक घंटा ट्रैवल करदियां है, तो जिहड़ी फास्टर ट्रेन है वह कितना कवर कर लेगी ज़्यादा, 15 किलोमीटर। तो इतों 15 नूं 12 नाल मल्टीप्लाई करता 180, मतलब ये दोनों ट्रेनस किन्नी देर बाद मिलनगियां, 12 घंटे बाद मिलनगियां, ठीक है जी। 12 घंटे ये फास्टर ट्रेन चलेगी इस साइड तो, 12 घंटे ही ये वाली ट्रेन चलेगी, तो 12-12 घंटे दोनों ट्रेनस चलनगियां, फिर ये मीट करनगियां इस पॉइंट के उत्ते, तो जिहड़ी फास्टर ट्रेन है वह 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होएगी एज़ कंपेयर टू स्लोअर ट्रेन। सो हुण इस क्वेश्चन का आंसर किवें आएगा, देखो आंसर दे लई सिंपल लॉजिक है, 95 12 देना मल्टीप्लाई कर दो, तो 95 12 देना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सोनू, क्योंकि 12 घंटे ट्रेन चली है। सो 95 12 ना करांगे तो 950 प्लस 190, सो 950 हो गया जी 10 ना मल्टीप्लाई करके, तो 95 नाल करांगे 190। सो 95 इतों 900 या 1050 1150, सो 1140 इतने आ जाएगा। सो 1140 डिस्टेंस इसने कवर की 12 घंटे के। इस तरीके भी क्ढनी पेगी डिस्टेंस, ये तो ये डिस्टेंस हो गई सी 1140, हूँ आप दूसरी डिस्टेंस भी क्ढनी पेगी इस साइड तो, जिनी कवर की इस साइड तो कि ट्रेन ने कवर की, दूसरी ट्रेन ने,
सो 80 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, 12 घंटे चली तो 12 8 96, सो 960 आ जाएगा इतों आंसर। सो 960 इतों आ जाएगा, 960 किलोमीटर या जिस तरह किलोमीटर आ जाएगा। सो इस 1140 एक डिस्टेंस आ गई लैफ्ट साइड तो, ये वाली डिस्टेंस जी फास्ट ट्रेन ने कवर की, राइट साइड से 960 आ गई जी ए वाली डिस्टेंस कवर की स्लोअर ट्रेन ने। सो इन दोनों ऐड कर देंगे 960 प्लस 1140, सो 11 9 20 तो 2100 आ गया सीगा जी आंसर थोड़ा, 2100। सो 2100 किलोमीटर जो है दैट विल बी यूअर राइट आंसर, तो 2100 किलोमीटर इतों थोड़ा राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की आप गल कर रहे थे, तो 2100 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरीके इस क्वेश्चन को समझना है कंसैप्ट, ये 12 घंटे का कंसैप्ट कितों आया ध्यान दे समझ लो एक बार, कि अगर ये ट्रेन एक एक घंटा चल दिया ने तो एक ट्रेन 15 किलोमीटर एक्सट्रा कर रही है दूसरी नो, बट उन्हें की कहा है भी जदों वह मिलदियां ने तो एक ट्रेन 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। सो एक घंटे के अगर ये एक घंटे लिए चल दिया ने तो डिस्टेंस 15 किलोमीटर का फर्क पैंता है, दैट मीनस दोनों अगर 12 घंटे चलन गियां तो डिस्टेंस एक ज़्यादा ट्रैवल कर लेगी 180 किलोमीटर का। सो इसलिए आप इस 12 घंटे अज्यूम किया, उस तो बाद पॉइंट ऑफ मीटिंग तो आप लैफ्ट साइड की डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली जिनी फास्टर ट्रेन ने कवर की, फिर आप राइट साइड की कवर कर कैलकुलेट कर ली, दोनों ऐड करता ता कि आप दिल्ली एंड हैदराबाद के डिस्टेंस का पता लग सके। तो इस तरीके क्वेश्चन आप करना होंगे है। सो क्वेश्चन नंबर 9 आप कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 मैं करावगा स्टार्ट, तो इस तो बाद आप जी नैक्सट वीडियो के बाकी क्वेश्चन डिस्कस करा। सो क्वेश्चन नंबर 10 कर लें, उस तो बाद बाकी के क्वेश्चन नैक्सट वीडियो डिस्कस। सो नैक्सट कह रहा है, टू ट्रेनस फॉर दिल्ली लीव जयपुर एट 8:30 एंड 9 AM रिस्पेक्टिवली एंड ट्रैवल एट 60 and 75 किलोमीटर पर आवर। How many kilometers away from Jaipur will the two trains meet if they meet at 1 PM? How many kilometers away from Jaipur will the two trains meet if they meet at 1 PM? तो एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किवें करना है। कह रहा है टू ट्रेनस फॉर दिल्ली लीव जयपुर एट 8:30 एंड 9 AM एंड ट्रैवल एट दिस स्पीड रिस्पेक्टिवली, हाउ मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर विल द टू ट्रेनस मीट इफ दे मीट एट 1 PM। तो इतों एक कंसैप्ट आता हूँ जी, सो मान लो इतों दो ट्रेनस चलिया, एक ट्रेन चल पी है पहला, ठीक है जी, ये स्टेशन है अपने मान लो जयपुर है, इसे दिल्ली फॉर दिल्ली है, दिल्ली इस साइड है, ठीक है जी, इतने आप कंसिडर कर लिया दिल्ली, तो इतने अपने को जयपुर है। सो जी पहला ट्रेन चली है, देखो उसने अद्धे घंटे के कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है पहला, वो भी मैटर करेगी क्योंकि वो 8:30 बजे चल पी है। सो 8:30 बजे चली है वो, तो दूसरी ट्रेन 9 बजे चली है, जी दूसरी ट्रेन है और जो उसने चलना है उदों तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, 60 की स्पीड में जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसने कवर कर ली डिस्टेंस 30 किलोमीटर, ठीक है जी। सो 30 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली है, उस तो बाद दूसरी ट्रेन भी इतों स्टार्ट हो जाती है, तो दूसरी ट्रेन किन्ने बजे स्टार्ट होती है 9 बजे, तो मिलदियाँ किन्ने बजे ने वो पहुँचदियाँ ने 1 बजे, दोनों 1 PM ते मिलदियाँ ने, ठीक है जी। हुण देखो इस क्वेश्चन दे विच करना की हुंदा है, बेसिकली जिहड़ा ये 30 एक्सट्रा है इसनों ओवरकम करना हुंदा है, 30 नूं क्रॉस करन की जिहड़ी फास्टर ट्रेन है वो 30 नूं क्रॉस करेगी, तो 30 नूं क्रॉस करन दे लई उसनों टाइम किन्ना लगेगा, वह टाइम आएगा देखो टाइम 4 घंटे लगे उस 30 किलोमीटर नूं क्रॉस करन दे लई, जिहड़े 30 किलोमीटर सो पहला जी ट्रेन चल पी सी, सो 4 घंटे हूँ 4 घंटे लगे ने, तो क्योंकि 9 बजे तो बाद देखो ना 9 to 1 बजे तक, तो 4 घंटे हो गए,
सो इतने स्पीड ले लें डिस्टेंस होगी जी 4 आवर टाइम हो गया 30 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। हूँ इतने कन्वर्जन की जरूरत नहीं पेगी क्योंकि यह भी आवर के बीच है ये किलोमीटर के बीच है तो हम देखते हैं इतों कन्वर्जन की जरूरत मैं लगता तो नहीं पैनी चाहिए है। तो उस तो बाद डिस्टेंस दोनों देखो सेम डायरेक्शन के ट्रेनस जा रही ने तो जो ये सेम डायरेक्शन के हो फिर इन्हों की स्पीड की हो जाएगी माइनस। सो इत आ जाएगा 15 ठीक है जी। सो इतों 15 आ जाएगा एंड सो ये 15 के नाल इतों 4 घंटे लगन गए। सो क्ढना की इतों डिस्टेंस अपने को होगी स्पीड ये होगी ठीक है जी। इतों ये मान सकते हैं कि इसनों 4 घंटे लगन के दैट मीनस 75 किलोमीटर वाली ट्रेन चलो इतों आप थोड़ा जा कंसैप्ट चेंज करते हैं। सो 75 किलोमीटर वाली ट्रेन जी है वो 4 घंटे बाद मिलेगी उत्थे 4 घंटे लगन गए उसनों एक बजे तक जाने लई एक मिनट जी रेस रेस एक मिनट जी रेस कर दिए थोड़ा जा बोर्ड थोड़ा जा कंसैप्ट इतों थोड़ा जा होर लग गया मैं एक होर कंसैप्ट सोच रहा सी वो ला करके देखते हैं। सो कंसैप्ट इतों मैं की सोच रहा हाँ कि जी 75 किलोमीटर वाली ट्रेन चली 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ट्रेन उन्हें इतों क्रॉस करना है तो इतने पहुँचना है। सो 75 की स्पीड ना चलेगी 4 घंटे बाद उत्थे पहुँच जाएगी गल खत्म करते हैं। सो 75 की स्पीड ना जो चलेगी तो 4 घंटे चलेगी तो 75 × 300 आ गया जी आंसर 300 आंसर आ गया। तो जेकर दूसरी ट्रेन की गल करिए कि चल रही है 60 तो वह 9 बजे तक 4 घंटे के चलेगी 240 नहीं लॉजिक थोड़ा जा इतने गलती लग रही आप। सो 90 वाली स्पीड अच्छा 75 75 150 150 तो 300 ठीक है 300 मान लें चलो बट 300 अगर मानते हैं तो 60 6 × 24 240 थोड़ा जा कंसैप्ट इतने गड़बड़ लग रही आप। सो उसने क्रॉस तो करना है ये तो मानते हैं चलो एक बार इदा करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देख लें ठीक है जी। थोड़ी जी दिक्कत टाइम की भी अच्छ है सो एक बार सोल्यूशन देख लें क्वेश्चन नंबर 10 सो एक बार लॉजिक देख लें क्वेश्चन नंबर 10 का की दिता हुआ इन्होंने। सो कंसैप्ट तो यही आएगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू अधे घंटे का फर्क पै गया जी ठीक है स्पीड का उन्होंने अद्धे घंटे के 30 का ही पेगा 15 × 29 अच्छा डिस्टेंस क्ढनी सी तो डिस्टेंस के लिए ओके 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 देखो इतों की है कह रहे हैं कि टाइम टेकन बाय सैकेंड ट्रेन थोड़ा जा कंसैप्ट इतों ले लिया इन्होंने कि टाइम टेकन बाय सैकेंड ट्रेन टू कवर 30 किलोमीटर देखो वह की है 15 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है एक ए नालों तो वह टाइम कितना लेगी उसको कवर करने के लिए वह आप चेक कर लेना सी पहला। सो वह टाइम अपने को आ जाना सीगा उस टाइम तो आप उसको फाइंड आउट कर लेना थोड़ी जी गलती कर गए आप कंसैप्ट के तो इतों एक तरह के ना सोल्यूशन देख सकते हो दिस इज़ द परफेक्ट सोल्यूशन इतों एक बार सोल्यूशन चैक कर लो तो नैक्सट वीडियो के स्टार्टिंग के मैं इसमें एक्सप्लेन कर दाँगा या इतने कर लें। सो देखो ट्रेन जी सी आप इतों ट्रेन चली उन्हें 30 किलोमीटर कवर कर ली डिस्टेंस सो ये 30 किलोमीटर कवर किने करना है बाद च फास्टर ट्रेन ने इतों देखो इतों ये चली तो ये 30 किलोमीटर इतों आ गई। सो इस 30 कवर करना है किने करना है जो दोनों ट्रेनस चल रही ने सो दैट मीनस 30 कवर करने के लिए जोड़ा टाइम लगेगा वो आप कैलकुलेट करना सी उत्थे आपां 4 ले लिया वो गलती करके सो टी इक्वल टू 30 बाय दोनों की रैलेटिव स्पीड मेरे ख्याल नाल 15 बन गई सी 75 ते 60 की। सो 2 घंटे लगनगे ठीक है जी फास्टर ट्रेन नू 30 किलोमीटर की जी एक्सट्रा डिस्टेंस पहली ट्रेन ने कवर कर ली है उसनों कवर करने 2 घंटे लगनगे
सो इत्थे मान लो दिल्ली है तां ओह जिहड़ा चाहे दिल्ली मिलण चाहे किते भी मिलदियां ने तां ओह 2 घंटे लगणगे उसनूं। सो इत्थों जदों 75 किलोमीटर की ट्रेन स्टार्ट हुंदी है तां उस 2 घंटे लगाएगी 30 किलोमीटर नूं क्रॉस करन दे लई, तां क्रॉस करन दे उत्ते ही ओह मिल रहियां ने 1 बजे, ठीक है जी। सो इत्थों नहीं मीट का तो क्वेश्चन, 1 मिनट, इतों फिर 75 दे नाल आंसर आ जाएगा 150। 75 नूं 2 घंटे लगन गए तो 150 आंसर आ गया, बट इतों फिर भी दिक्कत है कि क्वेश्चन दे विच उन्होंने 1 PM लिखा होया है। एक मिनट, उन्होंने एक होर चीज भी लिखी हुई है 1 PM वाली। सो क्वेश्चन नंबर 10 सल्यूशन तो ठीक है इतों, बट उन्होंने एक होर चीज कही हुई है क्वेश्चन दे विच, तो जेड़ा 1 PM है दा कोई रोल नहीं है। देखो देखो इतों जेड़ा है 1 PM है इसका कोई खास रोल इतों दिख नहीं रहा 1 PM दा। 1 PM दा मैनूं कोई इत्थे खास रोल नहीं दिख रहा, बाकी तुसीं भी देखना है। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन नूं डिस्कस करांगे क्वेश्चन नंबर 10 नूं नैक्सट वीडियो दे विच, तां तुसीं भी इस क्वेश्चन नूं देखना है। क्वेश्चन इत्थों तक तां ठीक है, 2 ट्रेन्स फॉर दिल्ली लीव जयपुर, ठीक है जी। हाउ मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर विल द 2 ट्रेन्स मीट एंड इफ दे मीट एट 1 PM, ये वाला कंसैप्ट थोड़ा जिहा दिक्कत दे रहा है, 1 PM का की लॉजिक है। सो बाकी क्वेश्चन का आंसर तो 150 बन जाएगा, बट 150 1 PM तो बिना बनेगा, 1 PM का उससे कोई रोल नहीं है। तो 1 PM का जेकर थोनू कोई रोल लगता है, तुम ये क्वेश्चन देखा होया कि उस दे रिलेटड तुम दस सकते हो कि आप गलती कर रहे हैं कितने मिसटेक हो रही है। तो बाकी जिन्हें भी क्वेश्चन बाकी किए ने बाकी तो ऑलमोस्ट क्लीयर ने। क्वेश्चन नंबर 10 का थोड़ा जहा डाउट है, सो इस पेंडिंग रखते हैं अगली वीडियो के लिए। आंसर वैसे इसका 150 आ गया से, बट ये है कि कंसैप्ट 1 PM का की सी इतने नहीं पता लग्या, या इतने ये आएगा कि 11 आएगा इफ दे मीट एट 11 PM, तो 11 PM आ 11 तो फिर AM आएगा है ना। सो 1 PM का की रोल रहा वो दसना है तुम्हें, ठीक है। बाकी नैक्सट वीडियो के डिस्कस करा बाकी ट्रेन के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।